अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर टेस्ट और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का वाटर टेस्ट। जी हां, इस फ़ोन को पाकिस्तान की मार्केट में 30,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है और वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। इस फ़ोन के अंदर मीडियाटेक हीलियो G95 क्वाड कैमरा सेटअप, 6.95 इंचेस की 90Hz वाली स्क्रीन और काफ़ी कुछ है, बट नो IP रेटिंग एट ऑल। और चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला फोन है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये फोन कितना ड्यूरेबल है। दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक मिनट के लिए इस फोन का वाटर टेस्ट करने हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का वाटर टेस्ट शुरू करने से पहले क्विक सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो ये है जी हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की डिवाइस। और अगर बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की बात करें तो एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिलता है और उसके अलावा इस पैकेज में हमारे पास कुछ पेपर वर्क और एक सिलिकॉन प्रोटेक्शन केस है। और बॉक्स के बाकी कंटेंट्स में हमारे पास एक 33W की इन्फिनिक्स की फास्ट चार्जिंग ब्रिक और USB Type-C केबल देखने को मिलती है। अब बात करें अगर इस डिवाइस की प्राइस की, तो 30,999 रुपए के प्राइस टैग के साथ ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की गई है। आई डोंट नो इंडिया वगैरह में इसकी क्या प्राइस है, बट यहाँ पे इसकी प्राइस कुछ यूँ है। और दराज में प्री ऑर्डर्स अवेलेबल हैं 21 मई से और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस में 1,000 रुपीज़ ऑफ भी मिल रहा है। खैर, आज हम यहाँ हैं इस डिवाइस के वाटर टेस्ट के लिए। और यहाँ पर जो बाय द वे इस डिवाइस का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, हम अपने टाइमर को करते हैं सेट और इस डिवाइस को हम सीधा चेक करते हैं कि पानी में ये एक मिनट के लिए सर्वाइव करेगी या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों, सिनेरियो कुछ यूँ है कि जिन भी डिवाइसेस की कोई आईपी रेटिंग नहीं होती, मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग घरों पे उन डिवाइसेस का टेस्ट करें। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में या किसी भी इन्फिनिक्स डिवाइसेस में आज तक आईपी रेटिंग नहीं दी गई, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग घरों पर कोई भी ऐसा टेस्ट परफॉर्म करें। अब अगर इस डिवाइस के मेन फीचर्स की बात की जाए तो नोट 10 प्रो जो प्रीवियस जनरेशन की जो नोट डिवाइसेस थी उससे काफ़ी बेहतर है। आपके पास ऑलमोस्ट 7 इंचज़ का HD+ सुपर फ्लूइड डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। मीडियाटेक हीलियो G95 है, 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 256 एंड 8GB है और 33W की फास्ट चार्जिंग और 5000mAh की बैटरी है। अब दोस्तों, तकरीबन एक मिनट कंप्लीट होने को है, हम डिवाइस को बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसका कैमरा, बैटरी, साउंड और चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो एक मिनट कंप्लीट होने को है और हम अपने टाइमर को करते हैं स्टॉप और डिवाइस को निकालते हैं बाहर। और डिवाइस जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब हालत में है हमारे पास, बट हम इसको जल्दी से करते हैं खुश्क और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इस डिवाइस का कैमरा, बैटरी और ये सारी चीज़ें काम करी हैं या नहीं। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को हमने साफ़ कर लिया है और ये हमारे पास डिवाइस की अगर बात करें टच की, तो हमारे पास जो टच पैनल है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमारे पास जितनी भी ऐप्स ओपन करने वाले हैं उनमें कहीं पे भी टच में कोई लैग नहीं आ रहा। और अगर बात करें इसमें कि कितना पानी गया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने सिम इंजेक्शन टूल के साथ। इसकी सिम को हम एग्ज़िट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्रोटेक्शन है या नहीं। वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमारे पास यहाँ पे एक रबर की सील है जिसने जो कि इंटैक्ट है और जिसने पानी को अंदर जाने से बचाया। इसके पीछे पीछे तक पानी है बट आगे कोई भी पानी नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपकी जो फ़ोन है उसकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है 30,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ, हालांकि कोई भी आईपी रेटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो यहाँ पे जो हमारे पास कैमरा है वो आई थिंक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इवन साउंड भी मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि मुझे क्लिक होने की आवाज़ आई है। दोस्तों, अगर बात करें कैमरा रिजल्ट्स की, तो कैमरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी डॉट या ब्लैक स्पॉट देखने को नहीं मिलता। और जो लोग कहते हैं कि सेल्फ़ी कैमरा चेक करना चाहिए, ये फ़ोटो उनके लिए। तो अगर आपको मेरी सेल्फ़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब अगर बात करें यहाँ पे साउंड की, तो जो हमें वॉल्यूम रॉकर्स है पहले उनको अगर टेस्ट कर लें तो ये बिल्कुल ठीक है। और अगर हम साउंड में जाएं और चेक कर लें कि हमारे पास
क्या सिनेरियो है, वाओ जबरदस्त। नाइस भाई, आप लोगों ने अगर इन्फिनिक्स नोट 10 बाय करना है तो लाजमी कर लें, क्योंकि एक मिनट तक इसने सर्वाइव किया है। खैर अभी इसका बैटरी चार्जिंग टेस्ट रहता है, तो उसको ज़रा जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये फ़ोन चार्ज होगा या नहीं। वाओ ज़बरदस्त, यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग भी जबरदस्त तरीके से कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। तो मैं इसको एक दफा और ट्राई कर लेता हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को मैंने एक मिनट के लिए पानी में डाला और उसके बाद भी इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।